नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम गांव रामनगर के अंदर आए हैं। डिवाई के पास गांव रामनगर पड़ता है और यहां पर एक घर के अंदर सांप बैठा है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अभी रात्रि का त्यौहार कल बीता है दोस्तों, और पता नहीं कल परसों से इतने ज़्यादा सांप निकल रहे हैं कि पल भर के लिए भी सांस लेने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हर वक्त भाग दौड़ी रहती है दोस्तों, और इसी बीच कुछ लोगों के कॉल हमसे छूट जाते हैं तो उनसे हम माफ़ी चाहते हैं कि कहीं हम समय से नहीं पहुंच पाए या किसी के घर पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोस्तों क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और वहां अकेले सारे क्षेत्र में गर्मी के टाइम पर कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कहीं कहां देर हो जाती है पहुंचने में और कहीं कहीं ना ही पहुँच पाते, तो इस बात को आप दिल पर न लें, हमारी थोड़ी मजबूरी समझने की कोशिश करें दोस्तों। कुछ ज़्यादा ही भाग दौड़ों के कारण हम नहीं पहुँच पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और चलिए सांप दिखाते हैं आपको कौन सा सांप है। और गर्मी के दिनों में आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, घरों की सफाई रखिएगा और ऐसी जगहों को चेक करते रहिएगा जहां आपके पुराने कबाड़ सामान रखे हुए हैं। घर के अंदर ऐसी जगहों को देखते रहिएगा, कहीं कहीं आपके घर में भी सांप का छुप कर रहेगा। तो दोस्तों बेहद गर्मी होने के कारण घर में जहाँ नमी होती है और अंधेरा हो रहा है, तो दोस्तों जहाँ ऐसी जगहों पर छुपकर ये सांप बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये फर्श जो है गीला है, कच्ची मिट्टी का फर्श है और गीला है, और ये अभी मकान तो ये प्लास्टर भी अभी ताजी हुआ है, तो यहाँ इसके लिए तरी मिल रही है। बाहर बेहद सड़ी गर्मी पड़ रही है, तो इस वजह से गर्मियों से बचने के लिए भी घर में छुपकर बैठ जाते हैं कभी कभी आराम करने के लिए। बाहर की गर्मी को झेल नहीं सकते इसलिए अंदर आ जाते हैं दोस्तों, और हमारे आने के बाद इसने हलचल शुरू कर ली है, वरना ये कई घंटों से यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ है। लगभग करीब 3-4 घंटे तो हो गए होंगे इसको, लगभग 3-4 घंटे से ये यहीं पर बैठा है, एक ही जगह नहीं भागा, तो आराम करने के लिए बैठा हुआ है, ये बात बिल्कुल सच है। अब देखिए इसका धीरे धीरे हमारी तरफ आना, और बाहर की भीड़ सतर्क हो जाइएगा, हो सकता है एक ही साथ स्पीड से बाहर की ओर आ जाए। क्या टैगो, अभी काफ़ी तेज इसने अटैक किया था दोस्तों हमारे ऊपर, और एक इतना ज़ोरदार इसने झटका दिया कि फ़ोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। इसका मुंह सीधा हमारे कैमरे पर ही आके लगा था दोस्तों।
दोस्तों ये एक इंडियन रेड स्नेक नाम से जाना जाता है और गांव में लोग इसको धामन सांप, घोड़ा पछाड़ नाम से जानते हैं। ये एक बिना जहर वाला सांप होता है। अगर बाई चांस ये किसी को काट भी लेता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसके काटे जाने पर किसी भी कोई इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों कहना चाहूँगा ये तो एक नॉर्मल सांप है, हो सकता है इसकी जगह कोबरा सांप भी घर में आ सकता था। जब ये आ सकता है तो कोबरा भी आ सकता था या करैत भी आ सकता था, लेकिन कोबरा और करैत से बहुत ही ज़्यादा हमारे क्षेत्र में सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। वो बेहद ही जहरीले सांप हैं। अगर वो सांप किसी को काटते हैं, कोबरा जो फन वाला होता है और करैत एक गंडनदार सांप होता है ब्लैक कलर का, उसका फोटो आपको डिस्प्ले पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इस तरह के सांप किसी को काटते हैं तो किसी भी चक्कर में ना रह करके सीधे मेडिकल जाएं। हमारे यहाँ से दोनों ही दूरी बराबर पड़ती हैं, अलीगढ़ और बुलंदशहर। तो अलीगढ़ जाएं तो अपने मेडिकल कॉलेज जाएं और बुलंदशहर जाएं तो दोस्तों बुलंदशहर में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगता है वहाँ पर जाएं। दोस्तों सांप के काटे का इलाज दो ही जगह है हमारे नज़दीक में, या तो अलीगढ़ है या फिर बुलंदशहर है, तो वहीं जाएं। किसी भी चक्कर में ना रहें। कोई भी कहता है कि वहाँ गाँव में वो ठीक कर लेता है, बिल्कुल भी किसी पर विश्वास ना रखें, सीधे हॉस्पिटल ही जाएं दोस्तों। जिस दिन जहरीला सांप काटता है उसके लिए केवल एंटीडोज ही, जो इसके जहर के द्वारा बना हुआ होता है, वही बचा सकता है, ना कि कोई जड़ी बूटी या कोई बाबा हवा का तंत्र मंत्र। तो चलिए इसको ले चलते हैं जंगल में आज़ाद करने के लिए। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, जल्दी जल्दी एक एक सिंगल सांप को ही आज़ाद करना पड़ रहा है, क्योंकि डब्बों में थोड़ा इनके लिए कष्ट होता है, तो हम ज़्यादा टाइम के लिए रखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको कहीं ऐसी जगह देखते ही रिलीज कर देंगे रास्ते पर ही। चलिए चलते हैं। और फिर अभी दूसरी जगह से कॉल आ रहा है, अभी हमें वहाँ भी समय से पहुँचना है, काफ़ी देर से वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ कहूँगा, सतर्क रहिएगा, अपने घरों की साफ़ सफाई विशेष कर रखिएगा, ज़मीन पे ना सोइएगा। बरसात जब तक पड़ रही है दोस्तों, गर्मी पड़ रही है, कुछ लोग ज़मीन पर ही ऐसे सो जाते हैं। त्यौहार का टाइम है, बहुत घरों में रिश्तेदार आ जा रहे हैं और चारपाई ना होने के कारण ज़मीन पर ही बिस्तर लगा के सो जाते हैं, छत वत पर सो जाते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोएगा दोस्तों। रेंगते ये कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और काट लेते हैं, बहुत ही बड़ा हादसा हो जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनाएं बहुत हर रोज़ हो रही हैं, बहुत ही दिल दुखाने वाली दुर्घटना हर एक रोज़ सामने आ रही है। तो सतर्क रहिएगा, सावधानी बरतिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो ये है एक, और इसके बाद में दोस्तों एक सांप इसमें प्रजाति को बारी बारी हम रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले पर ये रेड स्नेक को लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और कल इसको रेस्क्यू करते वक्त इसने हमें थोड़ा झपट किया था, हमारे ऊपर वार किया था इसने काटने के लिए। हालांकि दांत बहुत हल्के चुभे थे, ज़्यादा दांत नहीं लगे थे, तो इसने मुझे जो है थोड़ा हल्का सा एक खरौंच दी थी अपने दांतों से। तो चलिए इसको तो आज़ाद कर दिया है। अब इसके बाद ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक, ये इसमें दो हैं दोस्तों, आज हमारे पास दो हैं, ये एक ही डब्बे में एक साथ कितने प्यार से बैठे हुए हैं। कैमरामैन फिर से एक सीन को लीजिएगा, देखिए दोनों एक ही जगह पर मुंह रख करके बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो कितने प्यार से एक ही जगह पर दोनों मुंह रख करके बैठे हैं ये, और इनकी फुंकार तो आप सुन ही रहे होंगे दोस्तों।